सुमित उधर है, उधर है सुमित जी, मैं भी आपके सामने एकदम इधर ही राइट में। हाँ साथ में सा, अरे इतना आगे क्यों जा रहे हैं अन्ना, थोड़ा पीछे आ जाओ बस, इधर 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 विद्या जी। Start from this side. Start from this side. Sir, ये right side. विद्या जी start from this side. Start from this side. Ma'am right, ma'am right this side. विद्या ma'am this side. सामने आपके एक जगह। ये right side और लोग right. Now left side here. Right. विद्या ma'am. विद्या ma'am सामने। Ma'am the other side. Right के लिए आ जाओ तुम इलेक्ट्रॉनिक। Rear view the other side. Okay, so Vidya ma'am, firstly let me tell you, you're looking very pretty. Thank you. And it's a screening for photograph. What would you like to say about the screening? One, that I'm a big fan of Ritesh's work. So big fan of her work. Thank you. So I can't wait to watch the film. Also, I love Nawaz as an actor, and I've seen some of Sania's performances lately. She's also fantastic. So I think it's a great combination. Okay. अरे वाह, आई वांट शेप हर कैरेक्टर, आई बी सो एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद हर, आई एम प्रीटी श्योर वी विल नो सून, आई होप सो, आई होप सो, इट विल बी माय प्लेजर, या जो फोटोग्राफ जो फिल्म में इससे पहले लंच बॉक्स बना चुके हैं आपने वो देखी है फिल्म, कुछ हमें अगर बताएं इनके इनकी कला में क्या। नहीं लंच बॉक्स के बारे में इनको बात करना चाहिए, ये भी एसोसिएटेड थे, ही वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द फिल्म। Yeah, I think Lunchbox blew us all away. So much has been said about the film already. What more can I add to that? I think Ritesh is a wonderful, wonderful writer and director. Irfan and Nimrit were superb in that film, and I'm looking forward to what Nawaz and Sani have done in this one. No, he's really a fantastic. I lost some weight. That's true. Ritesh has lost some weight. Yeah, yeah. That's the only bite he cares about you. he really is a fantastic director, and I remember even when I was at Cannes, there were people who mentioned the Lunchbox. I was in different parts of the world. You know, people have. This is one of those Indian films that people abroad have watched, non-Indians. So I think it's a big thing. आपका मैं फोटो लेना चाहूंगी सुमित, रीजन बिकॉज वो बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, यू वांट सम मैसेज फ्रॉम योर साइड, लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स यूथ, आप इन्फ्लुएंस करती हैं सबको, दे हैव अ नाउ चांस टू डू देयर मैंडेट ऑन 29th ऑफ अप्रैल इन मुंबई, यू बीइंग अ मुंबईकर कास्टिंग देयर वोट। Oh, I'm so glad you're asking about this, because I feel that if we want a changed world, we need to contribute, we need to participate, and the first thing we can do towards that is to cast our vote. So please get your voter IDs done if you haven't got it done. If you're 18, if you're turning 18 on the 28th of April, you have no excuse not to vote on the 29th. That's great news. So I just turned 18. So great. हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम वोट करें, अगर हम चाहते हैं कि समाज ये देश बदले, तो सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं होगा, उंगली पे वो निशान लगेगा तभी बात बनेगी। तो 29 अप्रैल को आप प्लीज़ जाके अपना वोट दीजिए, और 18 के ऊपर हैं और अगर वोटर आईडी नहीं है तो अभी भी समय है, वोटर आईडी बनवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। हाँ पूरे देश में जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ जाके वोट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, परसों है आप देख रहे हैं कल, और वो रिलीज के उसके साथ ही होली भी आ रही, तो ये मैडम कह रही थी कि
होली के विशेष भी देने आज शायद आप मिलना हम लोग आज निचोड़ लो रंग बरसे हैप्पी होली एवरीवन हैव अ सेफ वन एंड आई होप दैट साल भर आपकी जिंदगी रंगीन रहे अच्छे तरीके से थैंक यू ऑल द सर यहाँ पे कट है थोड़ा पीछे आ जाओ भाई भाई पीछे क्लियर करो बिस्किट खाओगे दीदी जी अरे आगे मचो मैडम यहाँ पे ए तुम अरे इशिता कैसे हो आप बड़ा टाइम हो गया आपसे मिले हुए मैं कल तक काफी एक्साइटेड थी आज मैं नर्वस हाँ आज मैं दोपहर को मुझे लगता है नर्वसनेस आ गया मेरे में और मैं थोड़ी अभी हूँ आज नर्वस हूँ थोड़ी जिटरी हूँ मैं गुड इवनिंग सो मच अरे यार थैंक यू सो मच हमने अपनी स्टोरी में लिख दिया था कि इस बार आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और आश्वस्त हैं आज मैं थोड़ी हूँ नर्वस हो ही जाता है मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद सिंक इन हुआ कि दो दिन में फिल्म रिलीज होने वाली है अब आपके हवाले मेरी फिल्म साथी हो अभी ऑडियंस बताएगी अच्छी है या बुरी है अभी विद्या आई थी काफी प्रशंसा कर रही थी आपकी थैंक यू हां जी उन्होंने होस्ट कराई स्क्रीनिंग आई वुड से थैंक यू टू देम दे विद्या इज माय फेवरेट एक्टर वो मैं जब भी उनसे मिली हूँ मैं फैन गर्ल की तरह मिली हूँ मैं उनको देख के मैं कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो मेरी मुझे वो बहुत पसंद है एज एन एक्टर एंड आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने ये स्क्रीनिंग रखी हमारे लिए आई एम वेरी वेरी लाइक ग्रेटफुल टू देम बिल्कुल अरे यार थैंक यू मेरा मैं ना कॉम्पिटिशन स्कूल छोड़कर आ गई थी जब मैं स्कूल से निकली मेरे लिए वो कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया था और कॉम्पिटिशन नहीं है सारी फिल्में चलनी चाहिए इक्वली क्योंकि फिल्में बनने में काफ़ी मेहनत लगती है लोग बहुत अपना खून पसीना लगा देते हैं एक फिल्म बनाने में तो हर फिल्म चलनी चाहिए हर फिल्म ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए मैं ये कहूँगी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है मैं चाहूँगी कि हमारी फिल्म भी चले और जो दूसरे लोगों की फिल्में भी आ रही हैं वो भी चले और लोग उतना ही पसंद करें उन्हें थैंक यू कौन कौन से दोस्त आ रहे हैं और विजय हाय यू गेट द इंटरव्यू नाउ आई एम लीविंग गाइस लेट द गली बॉय गिव द इंटरव्यू आपको हम का ये ना एक्चुअली शायद आप हमें मिल पाए ये सब क्वेश्चंस था कि
मुझे लगता है वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ट्विटर पे बैठकर सोशल मीडिया पे बैठ के जितना भी जो भी हमें प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम लिखते ज़रूर हैं, पर हमारा ये हक है वोट करना। तो प्लीज़ जाइए वोट करिए, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, ट्वीट करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे लिखना बहुत आसान है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जाएँ और वोट करें, क्योंकि ये देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर लुक या फिल्म की जो पोस्टर देखा सानिया एंड नवाजुद्दीन मेक्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कास्टिंग एंड सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी हाउ देयर व्हाट इज देयर पार्ट एंड आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नवाज़'s वर्क सो आई जनरली लाइक वॉचिंग हिज फिल्म्स सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देयर परफॉर्मेंसेज एंड आई एम रियली श्योर दे माइट दे विल बी रियली अमेजिंग ओके आल्सो हम जो ट्रेलर देखते हैं तो लव स्टोरी का कहीं ना कहीं एंगल नजर आ रहा है द गुड पार्ट इज़ आई थिंक नवाज सच एन एक्टर दैट वो कोई भी किरदार निभा सकते हैं सो एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू वॉच हिम इन अ लव स्टोरी सो इफ दिस हैज़ दैट एंगल देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच दैट बिकॉज़ इट विल बी अनकन्वेंशनल लव स्टोरी क्या बोलूँ मैं इसकी हाँ ओके देन डू आई गिव द क्रेडिट टू माय मदर हु वुड आई लाइक टू फोटोग्राफ आई नो दिस माइट साउंड अ लिटिल स्ट्रेंज बट माय पपी ही इज सच अ पोजर आई कांट टेल यू मतलब ही इज सच अ एवरी टाइम आई ट्राई टू टेक अ फोटो ना ही विल स्टैंड इन द एग्जैक्ट पोज आई थिंक आप घर आए थे तो आपने देखा था So my puppy is the one who I like obsessively photograph a lot. So yeah, so him. Well, I guess for me, you know, the films have never mattered whether in what language I make them or what language I'm a part of. But essentially, I've been always wanted to do good work. So I think just वक्त वो मुझे अच्छा script मिलेगा वो हिंदी film होगी मैं जरूर करूँ. भाई तुम गलत कर रहे हो. ऐसे मत करो मेरे Yeah, of course. I think in general, I think as citizens should vote. That's very, very important. And the youth has the power in its hands, so why not? Ab main jaau film dekhne jaau enjoy karu thoda. Thank you. Aur kuch? Thank you guys. Tamanna jitna wait like that shot.
कई लोग आपके एडमायर मुझे विश्वास नहीं था आप मतलब आप जैसे बड़े मैम आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू लाइक सम रिपोर्टर्स एंड कैमरामैन मेक श्योर दैट आप जहां पे भी जा रही है तैयार थे दैट्स रियली इज दैट्स रियली या या रियली है ऐसा नाउ यू लुक इनटू योर टोटल लेफ्ट हाफ ह्यूमन हाफ थैंक यू इसको विजुअली आता हो गया वेट वेट पापा से हां ये दिखा इधर नहीं लेफ्ट में पूरा फुल है थैंक यू गाइस थैंक यू मन्ना जी सर जैसे साक्षी का पीछे सर आप सेंटर में देखिए जी बताइए क्या भैया या ओके सो फोटोग्राफ की स्कीम क्या है जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि रितेश बत्रा का काम मुझे बहुत पसंद आता है लंच बॉक्स मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी नवाज़ दोस्त हैं नवाज़ ने मुझे एक्टिंग सिखाई भी है बहुत टाइम बिताया हमने साथ तो मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं मामी में कल स्क्रीनिंग हुई मैंने सुना वहाँ बहुत अच्छे रिव्यू हैं तो मैं फिल्म देखना चाहता हूँ सानिया का काम बहुत अच्छा है सानिया का काम जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत एक्साइटेड ये अच्छी बात है ना आप भी अपनी जो फिल्म में आते बड़ी प्रभावशाली रहती हैं जी कैनवास को बहुत ही मार्मिक तरह से और ह्यूमन रिलेशंस को दिखाया जाता है वो भी शायद इसी फिल्म में भी शायद इसी तरह से कुछ अनुभूति होती है आपको क्या ऐसा मुझे लगता है कि रितेश बत्रा जो डायरेक्टर हैं बहुत ही रियलिस्टिक फिल्में बनाते हैं उनकी फिल्मों में अजीब सी वॉर्म्थ होती है अजीब सा चार्म होता है जो उनके एक यूनिक सिग्नेचर है आई गेस और मैं जो फिल्में बनाई हैं मैंने मतलब शिप ऑफ थीसीएस प्रोड्यूस की है और तुम्बाड़ की है वो कुछ अतरंगी फिल्में थी थोड़ी सी अलग फिल्में थी तो जो लैंग्वेज सिनेमा की वो अलग अलग है पर मुझे बहुत पसंद आता है रितेश की जो सिनेमा रितेश का जो डायरेक्शन है मुझे बहुत पसंद दीपिका पाडुकोन या शी सो ब्यूटीफुल तो फोटोज खींचनी चाहिए आई गेस यस आई एग्री जी जी अब हमारे 5 साल पूरे हो गए हैं वापस से हम लोगों को अधिकार है कि हम एक ऐसी सशक्त सरकार ला सकें ऐसा वर्चस्व ला सकें जी कई युवा हैं जो आपकी बातें सुनेंगे इसके ऊपर अपने विचार मतदाता के तो मुझे लगता है कि तो वोट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी तो जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं तो हर आदमी को वोट करना चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी है और तो यही कहना चाहूँगा मैं सब युवा वर्ग से कि प्लीज़ जाइए और वोट कीजिए थैंक यू थैंक यू चलो भाई थैंक यू थैंक यू अजय अरे 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 मैडम जी यहाँ पे मैडम जी स्ट्रेट लुक मैडम जी आपके राइट में थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर में ही देखिए मैम लेफ्ट मैम यहाँ पे मैडम जी मुझे मैम यहाँ से
पूजा होल्ड, पूजा होल्ड, ये पार्टी क्या है? पूजा मैम यहाँ पे, पूजा यहाँ स्ट्रेट, पूजा मैम यहाँ पे, पूजा मैम स्ट्रेट और सेंटर, पूजा मैम सेंटर, पूजा 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 कौन हो जाए ना मैम? पूजा जी, पूजा पे, अरे पूजा मैम यहाँ पे, पूजा मैम यहाँ पे, यहाँ पे कौन हो जाए? कौन हो जाए? बस अजीत क्या कर रहा है? ए भाई पीछे आना थोड़ा, मैम यहाँ, अरे अनिकेत, यस सर, ब्लॉक कर रहा हूँ, धक्का क्यों मार रहे सर? यहाँ पे सेंटर सर, सेंटर 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 सर, एक बार यहाँ पे फिर से सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, लेफ्ट कॉर्नर सर, सेंटर बगीचे मिस्टर राइट, थैंक यू। अरे कौन है? चलो भाई उधर ही जाएगी वो, अरे पार्किंग में डालेगा ना ये ना। अरे आने दो ना, जनाब जनाब जरा एक एक दीजिए ना साहब, प्लीज सावाना जी, सर यहाँ पे, सर 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 यहाँ पे, मैम मैडम जी, मैडम मैडम जी, मैडम सावाना जी, मैडम जी यहाँ पे, दो घंटा वेट करना पड़ेगा अगर छोटी सी वाइट। बोलो जल्दी बोलो प्लीज। ओके सर, रीचा लाइक अ टेनिस एंड आज स्क्रीनिंग लाइक फोटोग्राफ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है जी। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अब मुझे रितेश पत्रा का काम बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने बाहर जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। उनकी जो लास्ट फिल्म थी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आके बताती हूँ कैसे लगी, ठीक है? थैंक यू। एक्सक्लूसिव लेके क्या करोगे? इतने सारे लोग हैं सर, एक्सक्लूसिव नाम का क्या चीज है? चले बोली। ओके सो फोटोग्राफ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है, क्या कहना चाहेंगे और किसकी एक्टिंग के लिए एक्साइटेड? ऑब्वियसली नवाज भाई, एंड आई रियली फील दैट हिज टाइम हैज कम। इट्स रितेश, आई थिंक इट्स ही इज अ शाय गाय बट ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। रियली थैंकफुल टू विद्या मैम एंड सिड सर फॉर इनवाइटिंग अस एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। सर 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 सर
हाँ रुकिए मैडम, यहाँ पे देखिए मैडम, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर की कैमरा में मैडम, मैडम एक बार फिर से, वेट 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 वेट, लेफ्ट कॉर्नर मैडम, इधर उधर कोई नहीं है, सब आपका ही वेट कर रहे हैं, वेट वेट वेट, रुकिए रुकिए मैडम, ज्यादा मत, मैम सेंटर, फ्लैश खाली है, ओ सॉरी मैम, टोटल राइट, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट, यह राइट लेफ्ट कॉर्नर, थैंक यू, तुम्हें ना जाना,